हेलो गाइस, मेरा नाम है बिलायत और स्वागत है आप सभी का ऑल एप्स हिंदी का और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना फ़ोन का कीबोर्ड को अलग अलग कलरिज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो कीबोर्ड आपको दिख रहे हैं, हमें अपना फ़ोन में एक परमानेंट कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाते हैं, और इस कीबोर्ड को हम देख देख के टाइपिंग कर करके हम जो कि थक जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जो कि बोरिंग हो जाते हैं एक ही कीबोर्ड देख देख के। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपना कीबोर्ड को अलग अलग कलरिज करना, अलग अलग डिजाइनिंग करना, तो बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है दोस्तों रेड कीबोर्ड लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कीबोर्ड को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। तो इस एप्लीकेशन को लिंक जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के थ्रू भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एप्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे अपना कीबोर्ड को आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ओपन करना है। ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले आपको इनेबल पे क्लिक करना है। बस यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करना है, और इनेबल पे क्लिक करने का तो यहाँ पे अपना फ़ोन का जो कि अलाउ कर देना है रेड कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अलाउ कर दिया अपना फ़ोन का। उसके बाद आपको बैक आना है और सिलेक्ट योर कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सिलेक्ट जो भी आप चॉइस करना चाहते हैं अपना कीबोर्ड, जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते। तो यहाँ पे यार्ड राइट कीबोर्ड, रेड लाइट कीबोर्ड, टचपैड कीबोर्ड, जो भी आपका कीबोर्ड है, तो मैं यहाँ पे रेड लाइट कीबोर्ड जो कि यहाँ पे सेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेड जो कि कीबोर्ड है, ये सब जो कि कीबोर्ड है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आप टेम्पलेट सेट करना चाहते हो, वो टेम्पलेट आप यहाँ पे अपना फ़ोन में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, हम एक जो कि यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया है, और हम बैक जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों देखते हैं हमारा कीबोर्ड चेंज हुआ है नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं गूगल में और हमारा चैनल सॉरी यहाँ पे कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड पूरा पूरी देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो चुका है, और यहाँ पे कीबोर्ड पूरा एक लाइटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग करने का मज़ा ही कुछ लगाएगा है या नहीं, जरूर बताइए कमेंट करके आपको ये जो कि कीबोर्ड कैसा लग रहा है। और हम अगर यहाँ पे जाए इस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको सेटिंग मिल जाएगा, जैसा आप चाहते हैं अपना कीबोर्ड का कलर रखना, जैसा डिजाइनिंग रखना, इस तरीके से आप जो कि अपना डिजाइनिंग कलर जो भी रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी बैक आते हैं और देखते हैं कौन कौन सा कीबोर्ड हमें मिल जाता है। तो ये सब जो कीबोर्ड आपको मिल जाता है टेम्पलेट, इसके अलावा आप अगर चाहते हैं अपना जो कि खुद का एक कीबोर्ड बनाना और वहाँ पे कलर अलग अलग देना, तो अलग अलग भी कलर दे सकते हैं। तो चलिए, हम और एक कीबोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया है और बैक आते हैं और देखते हैं किस तरीके का कीबोर्ड हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये एक वाइट हो गया कीबोर्ड। ठीक है, इसमें कोई कलर से नहीं है। तो चलिए, हम कोई एक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कलर सिलेक्ट किया है और हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी कीबोर्ड का कलर कुछ अलग टाइप का हो गया, और देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, और टाइपिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग आ रहा है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा और चैनल ऑल एप्स हिंदी में अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। मैं मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।